क्वेश्चन से ही डिसाइड हो जाएगा कि इस घर की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो डेफिनेटली क्लीन, क्लियर, वेल लाइटेड, अच्छा प्रकाश वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए. वहाँ पर रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वहाँ पर किसी तरह का वायलेंस से संबंधित, चाहे वो आर्टिफैक्ट है या वो पेंटिंग है, किसी भी तरह का ऐसा सिंबल नहीं होना चाहिए जिसमें जरा सा भी सैडनेस हो. अगर हमारे घर की फेसिंग ईस्ट है और हम घर के ईस्ट की एंट्रेंस पे खूबसूरत प्लांट्स रख देते हैं या प्लांट्स की पेंटिंग लगा देते हैं ब्राउन कलर के फ्रेम में, तो वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो उस एंट्रेंस से आना शुरू हो जाता है. जी, इवन वहाँ पर ईस्ट पे, ईस्ट को ना, ईस्ट इज एयर एलिमेंट, ग्रीन कलर ईस्ट को बहुत पसंद है. तो अगर वहाँ पर आप कोई फुटमैट भी डाल रहे हैं, कोई रनर भी डाल रहे हैं, कोई कारपेट भी है, तो कोशिश करें कि ग्रीन की फैमिली में डाल रहे हैं. पेंटिंग्स, इट कैन बी एनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, जहाँ पर जिस फ्लावर से आप रिलेट करके हैप्पीनेस फील करते हैं उस घर के रहने वाले. ईस्ट में मैंने बताया ग्रीन कलर, प्लांट्स, वेजिटेशंस, लैंडस्केप्स, ये लगा सकते हैं. वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में प्लांट्स ना लगाएं, अवॉइड करें प्लांट्स को लगाना, लेकिन वहाँ पर आप एक स्वास्तिक लगा सकते हैं, एक ओम का सिंबल लगा सकते हैं. एंट्रेंस नॉर्थ से आ रही है, आप बहते हुए पानी की पेंटिंग लगाइए और देखिए आपको कितना सुकून महसूस होगा, कितना पॉजिटिव फील होगा. साउथ की दिशा है, साउथ आपकी फेम, हालांकि साउथ की एंट्रेंस से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन अगर ये साउथ वेस्ट की तरफ अगर आपके एंट्रेंस नहीं है, साउथ तक ही है, तो ये बहुत पॉजिटिव होती है. साउथ में रहने वाले बिजनेसेस बहुत फ्लरिश करते हैं. अगेन मैंने कहा साउथ, प्योर साउथ डायरेक्शन. तो यहाँ पर अगर आपका यहाँ इस जगह से आपकी एंट्रेंस है, तो आप वहाँ पर कुछ भी रेड ऑरेंज कलर की पेंटिंग्स लगा सकते हैं. वहाँ पर आप कुछ हरे रंग के प्लांट भी यहाँ पर भी रख सकते हैं. पेंटिंग्स अगेन वही कि क्या आपको मैसेज चाहिए, आप उस बिल्डिंग में, अपने घर में आते समय किस पर्टिकुलर एनर्जी को आप इनवाइट करना चाहते हैं उससे संबंधित. किसी घर में शादी नहीं हो रही है तो एक फूलों का पेयर, वो भी हम वहाँ लगा सकते हैं. अब कपल, कोई भी रोमांटिक सा कपल, वो भी हम एंट्रेंस पे दिखा सकते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट इन दैट हाउस, और प्लस साथ में उस पेंटिंग से, उस वस्तु से आपको एनर्जी, पॉजिटिविटी कैसी फील हो रही है, उसके हिसाब से ही आप चूज. नेम प्लेट, या नेम प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. पहली चीज़ की नेम प्लेट अगर हम आई लेवल या आई लेवल से हल्का सा ऊपर लगाएं. सेकंड, कभी भी नेम प्लेट थोड़ी सी भी डैमेज हो जाती है तो उसको चेंज करें. नेम प्लेट के कलर्स भी कैची, अट्रैक्टिव एंड सूदिंग हो. नेम प्लेट के साथ भी कुछ इमेजेस लगाने का चलन हो गया है, तो हम उसमें भी कोशिश करेंगे कि हम उसमें अगर हम लगाएं तो गणेश ही ना लगाएं, हम उसमें किसी गॉड की सिंबल को ना लगाएं.